Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to देख सकते हैं गाइस, हम लोग आए हुए हैं चानकीगढ़ घूमने। यहाँ राजा रानी का पहले का जमाना का घर था। राजा रानी सोया था लोग, अचानक राजा ना मरते मरे ब्लॉग वीडियो ब्लॉग वीडियो राजा रानी सोया था लोग, अचानक घर ढह गया, तो उनके यादगार में ये सब बन गया हुआ है। देख सकते हैं उधर में है चानकीगढ़। देख सकते हैं गाइस, ये छोटा सा झरना है जो कि बहुत फ्रेश पानी आप लोग देख सकते हैं। आप लोग हम दिखाते हैं, हम लोग सब कोई जा रहे हैं घूमने चानकीगढ़। देखिए सब कोई आया है, अपना भैया फूफा, पीछे फूफा है वो भैया है, वो मेरा बेटा लोग है दो जन, इधर मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है जा रही है, अभी शर्मा रही है। इधर हम लोग का मौलाना साहब, इधर हमारे भैया बड़े भैया हैं। इनके लिए गुटका इनकी लाइफ है। ये बोलते हैं कि दुनिया का पूरी मजा एक पैकेट गुटका में है। आप लोग समझ सकते हैं भाई, दुनिया की पूरी मजा एक पैकेट गुटका में। जो कि हम लोग जा रहे हैं चानकीगढ़ घूमने, आगे चलते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, फिर डालते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं राजा रानी का ये घर है, जो पहले का जमाना में जमाने में बहुत विशाल और बड़ा था। राजा रानी सो रहा था लोग, अचानक पहाड़ गिर गया, उन्हीं लोग के यादगार में ये गढ़ बन गया, चानकीगढ़ जिसका नाम है। तो गाइस देख सकते हैं एक छोटा मोटा पार्क है, राजा रानी का जो घर था उसी के साइड में बना हुआ, ये राजा रानी का घर है, देख लीजिए। हम लोग के इमाम साहब भी घूम रहे हैं हम लोग के साथ, मस्ती कर रहे हैं। आप लोग एक यूनिक चीज हम दिखलाते हैं, आजकल का ईंटा देखिएगा, आजकल का जमाने का ईंटा, पहले का ईंटा देखिए कितने लंबा लंबा और चौड़ा चौड़ा हुआ करता था। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा ईंटा है, एरिया देखिए इस ईंटा का, कितना तगड़ा ईंटा था पहले के जमाने का, और आजकल का ईंटा आप लोग देख सकते हैं कैसे हो गया है, और काफी कॉस्टली भी हो चुका है आजकल का ईंटा। देख सकते हैं आप लोग गाइस, आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है। चलिए अल्लाह का शुक्र है और माँ बाप का शुक्र है, उन माँ बाप के वजह से हम लोग दुनिया देख रहे हैं भाई। आप लोग भी अपने माँ बाप का शुक्र अदा कीजिए और ऊपर वाला का शुक्र अदा कीजिए, और सब जो हम मस्ती करते उस पर माइंड मत दीजिएगा, ऐसे ये टाइम पास के लिए हंसी मजाक हो जाती है। और इधर में आप लोग देख सकते हैं पूरी व्यू, आप लोग देख सकते हैं गाइस, उधर में आ रहे हैं मेरे भैया और फूफा, अभी बहुत पीछे है। हाँ भैया ना चीटा का कटवा जाए, गाड़ी पार्किंग छोड़े कोई नहीं है, हमनी के गाड़ी पार्क होने बाटे। देख सकते हो उधर में बंदा लोग अपना पिक्चर ले रहा है गाइस, डीएसएलआर वगैरह से। हम लोग के पास पैसा नहीं है, सो डीएसएलआर नहीं खरीद पाते हैं, काफी कॉस्टली होता है, आउट ऑफ बजट है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम लोग डीएसएलआर खरीदेंगे या हीरो गोप्रो, उसके बाद में अच्छा अच्छा हम लोग वीडियो बनाकर डालेंगे, अच्छा अच्छा कंटेंट डालेंगे भाई। हम लोग गाइस देखिए पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, काफी हाइट में है, थोड़ा थक रहे हैं लोग, हम लोग काफी हाइट में है, देख सकते हैं, देख सकते हैं डायरेक्ट इस पर पुराना स्टेप, बहुत काफी पुराना है। आप इधर से खेतों का नजारा देख सकते हैं, कितने हाइट पर हम लोग आ चुके हैं गाइस। इधर में आप लोग देख सकते हैं हाइट में हम लोग आ चुके हैं, काफी हाइट में, अभी और चढ़ना बाकी है गाइस, अभी चढ़े जा रहे हैं हम लोग। Thank you.
माता की चरण में, देख सकते हैं आप लोग। आप लोगों को हम अच्छा अच्छा नज़ारा दिखाते हैं। अपन लोग के पास DSLR नहीं होने की वजह से, आइए ना उधर से घूमते, इधर से अच्छा आएगा ना। ये फोटो ले रहा है लो, उधर में फोटो ले रहा था लोग, हम लोग डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे। ये लोग देख लीजिए, रुमाल वगैरह बांधा हुआ है इसलिए ताकि बांधता लोग दिल में जो ख्वाहिश होती है ख्वाहिशों को लेकर रुमाल वगैरह लोग बांधते हैं ताकि ख्वाहिश पूरा हो सके। जो भी होता है छड़ी कच्ची, जो भी होता है पास में धागा, कोई छोरी बांध देता है अपना साया का, तो कोई कुछ भी, मतलब आप लोग समझ सकते हैं बेहतर। गाइस आप लोग समझदार हैं, आप लोग को हम बहुत अच्छा नज़ारा दिखाने जा रहे हैं, आप लोग देखने के लिए तैयार रहिए गाइस। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कितने हम लोग हाइट में आए हुए हैं, देख सकते हैं गाइस बहुत हम लोग हाइट। ये गांव है, पूरा गांव का नजारा आप लोग देख सकते हैं गाइस। इधर में अपना बंदा लोग गाना गा रहा है, भोजपुरी गाना देख सकते हैं गाइस आप लोग। इधर से हम लोग कितने हाइट में आए हैं, अगर इधर से गिरेंगे तो पता नहीं क्या होगा हम लोग का। और अगर इधर से अपन लोग गिरेंगे तो अड़क कर तड़क कर भड़क सकते हैं गाइस। आप लोग देखिए कितना सुंदर नजारा है इधर में, आप लोग देख सकते हैं गाइस, दिखाई दे रही है, आप लोग देखिए, आप लोग देखिए और मजा लीजिए, दृश्य का मजा लीजिए, आप लोग भरपूर मजा लीजिए, नेचर का मजा लीजिए। इधर में अपना बंदा लोग बैठा हुआ है, इधर में हमारे इमाम साहब हैं, ये भी बहुत मस्ती कर रहे हैं, ये अपना बंदा लोग है, बहुत मस्ती खोर है ये लोग, फुल मस्ती ले रहा है। ये हिती छोटा छोटा है लोग और पहाड़ पे चढ़ जा रहा है, खड़े पहाड़ पे। ये मेरा बेटी और बेटा है, लोग देख सकते हैं, वो बेटा है और ये मेरे बड़े भैया है जो कि नेपाल में रहते हैं, ये कहीं भी जाते हैं पार्टी वगैरह हाफ पैंट पर चले जाते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं इधर से, ये छोटा छोटा स्टेप है और हम जा रहे हैं इधर से, आप देख सकते हैं गाइज, आप लोग देख सकते हैं हम जा रहे हैं इधर से, छोटा छोटा स्टेप है। इधर में अपना बंदा बंदी लोग को लेकर आता है, देख लीजिए गांव का ओयो रूम है इधर, ना फूफा नहीं इधर, ये देख सकते हैं गाइज, ये देख सकते हैं गांव का ओयो रूम है, गांव का ओयो रूम भाई, देख सकते हैं। इधर में हमारे भैया गए हैं ओयो रूम में, आ रहे हैं घूम कर, देखिए माल पीटे हुए हैं अभी, देख लीजिए निकल रहे हैं, देख लीजिए गाइस। ये देखिए ये भैया अपने बेटा को मार रहे हैं, बेटा पर मार किया था, ये बेटो लड़ बात नौकरी वाला कितनों पिटाएगा मैंने नहीं सुधर। ये देखिए अपने बेटा का को नैया चढ़ रहे हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये बेटा का, छोड़ दीजिए बेटा है, इधर से आप लोग सीन देख सकते हैं। तो गाइस इधर से आप लोग सीन देख सकते हैं कितना, ओ माय गॉड, देख सकते हैं अपने सब बंदा लोग आए हुए इधर घूमने। इधर से हम एक छलांग लगाने वाले हैं, आप लोग दिखाएंगे जो कि कैमरे में नहीं नहीं लगाएंगे, व्यू नहीं आएगा अगर छलांग लगा देंगे। हाँ शायद
हाँ सदाम भैया चला जाए अपन लोग नीचे सब कोई बंदा अपना घूम रहा है लोग देख सकते हैं गाइस हम लोग कितने नीचे ऊपर से नीचे की जा रहे हैं अब इन थोड़ा गड़बड़ा जाता है बोलने में कुछ कुछ वर्ड होती है जो बाबू लोग आराम से सदाम भैया कुछ कहा हमरा के ओकरा के पकड़ ला सदाम भैया ओ जोया ये टूरिस्ट प्लेस हमेशा लोग आते रहते हैं जाए नजदीक बस उठ भैया देख सकते हैं कितने ढुलाई हैं हम लोग जा रहे हैं देख सकते हैं कैमरा लेकर और वीडियो बनाना भाई काफी मुश्किल होता है भाई 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 ओ मेरी यादों से तू आज तक ना गया आँख में बारिश से तेरी मौजूद है तो गाइस अपन लोग अब रिटर्न जा रहे हैं काफी मस्ती हुआ आप कुछ बोलना चाहिएगा आए हैं घूमने तो आपको कैसा लगा भैया आप कुछ बोलना चाहिएगा ये लोग कैमरे में शर्माता है बोलने से सब किसी की बस की बात नहीं होती है हम समझ रहे हैं आप लोग गाइस बेहतर समझ सकते हैं आप लोग लेजेंड लोग हैं देख सकते हैं जो भैंसिया है ना ये भैंसिया ये दूध देती है दूध 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 से घी आता है जितने सारा होता है जितने सारा मतलब मटेरियल घी खोआ पता नहीं डिश डैट लौड़ा लहसुन जो भी हो तो गाइस तो हंसी आ रही है हमारे इमाम साहब एक नाथ शरीफ सुनाएंगे सुनाएं ना नाथ शरीफ ठीक है हम सुनाते हैं तो गाइस गांव में आए और गांव का यूनिक चीज ना देखे तो ये आना मतलब बनता ही नहीं तो आप लोग देख सकते हैं गांव का यूनिक चीज गांव का यूनिक चीज इधर एक पुल था जो कि टूट चुका है अपन लोग जा रहा है उसको हिलने के लिए कौन आदमी मैं नहा खाती जाता नहीं हमारे फूफा की स्टाइल देख सकते हैं आप लोग बैठने का ये मेरे बड़े भैया हैं कल काका गाड़ी घुमाओ कर दी तो गाइस हम फाइनली गाड़ी में जा रहे हैं बैठने के लिए हाँ चलो देखो ली बाद में बाद में बाइक से चला जाए वो दूर बाटे 22 किलोमीटर दूर बा घर को लौट रहे हैं हम लोग अब बाबन गज का दमन पे दम टक्की चलूंगी बाबन गज का दमन
गाइस हम लोग घर आ चुके हैं, गाड़ी से घर आ चुके हैं।